Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and a very very warm welcome to Masala Morning Nazreen. उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे और कल का शो शेफ़ नईम के साथ जो था आपने इंजॉय किया होगा और यकीनन कुछ चीज़ें बना भी डाली होंगी, जैसे रंजीता ने मुझे पिक्चर भेजी थी बनाना एंड हेज़लनट मफिन्स की। मुझे इतनी खुशी होती है कि आप लोग इंस्टेंट ट्राई कर लेते हैं और होना भी ऐसे ही चाहिए, पता है। तो आज बहुत सारे मेरे चाहने वाले हैं, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं, फैंस हैं जो क्रिश्चियंस हैं, आज से उनके रोज़े स्टार्ट हो रहे हैं। इसको तो मैं उन तमाम लोगों को हैप्पी ऐश डे कहती हूँ कि ऐश वेनसडे के आप लोग माशाल्लाह, मैं इतनी हैरान होती हूँ। अच्छा, मेरे दिमाग में बात थी कि दूसरी भी लोग रोज़े रखते हैं लेकिन वो बीच में आप पानी या कुछ पी सकते हैं, तो मेलिसा जो मेरी लाइन प्रोड्यूसर है वो मुझे भी बैठ के सब समझा रही थी, उनके तो रोज़े बहुत मुश्किल हैं, तो कि मतलब 24 घंटे रोज़ा विदाउट पानी एंड विदाउट एनीथिंग कितनी बड़ी बात है, और 40 रोज़े 40 दिन तक कंटिन्यूसली रखना बहुत बड़ी बात है। बहरहाल देखें, सबका अपना मज़हब है और बहुत बड़ी बात है ये। और मैं वैसे बैठे बैठे जब मैं मलिसा से बात कर रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि हमारे रब ने हमारे लिए कितनी आसानियाँ की हुई हैं। आप सोचें, फिर भी हम बाज़ लोग ऐसे हैं जो रोज़े नहीं रखते, नमाज नहीं पढ़ते। पहले सबको पता है कि नमाज कितनी सारी नमाजें थी, 50 से शुरू हुई, फिर अल्लाह ताला फिर कम करते 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 फिर 5 नमाज पे आ गई। मेरे ख्याल से अल्लाह ताला पहले से ही उनको पता था कि हम मेरा बंदा ऐसा होगा 5 टाइम ही नमाज़ पढ़ ले तो शुक्र है। लेकिन देखें तो अल्लाह कितना गफूर रहीम है और हमें 30 रोज़े दिए साल में एक दफ़ा दिए, और फिर उस पर भी 13 या 14 घंटे का रोज़ा, मैक्सिमम 15 या 16 का हो जाता है बाज़ दफ़ा गर्मियाँ जब ऐसे दिन होते हैं। तो और अभी इंशाल्लाह ताला रमज़ान आ रहा है, रमज़ान की तैयारी पकड़ें अभी से, और अभी रजब का इतना खूबसूरत महीना है, फिर आगे शाबान है, फिर इंशाल्लाह ताला रमज़ान होगा। बस अल्लाह से दुआ है ये आने वाले महीने हम सब के लिए बहुत अच्छे गुजरें और हम सब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के करीब हों, ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया है उस तरह हम इबादत करें, उस तरह हम अल्लाह से रुजू करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें। बस यही है हमारा। और तो वाकई मैं कल ख़ाल से मगरिब के बाद या इशा के बाद मैं सुमैरा से यही कह रही थी, मुझे ये समझ नहीं आता कि बेटा सुबह हो रही है, रात हो रही है, रात हो रही है, फिर सुबह हो रही है, मतलब इतने जल्द मैंने कभी ये फील नहीं किया। और आप यकीन करें, इतने काम पड़े हुए, इतने काम हैं मेरे लिए, इतने काम हैं लेकिन वो हो ही नहीं पाते, बिकॉज या तो आप काम को देख लो या तो फिर आप अल्लाह को देख लो, बिकॉज आई फील इट्स बेटर टू स्पेंड टाइम विद अल्लाह देन टू डू ऑल दिस। सब मुझे रेसिपियाँ सॉर्ट आउट करनी है, निकालनी है, नई चीज़ें देखनी है, लेकिन अगर आप उसमें लग जाओ 2-3 घंटे उधर चले जाते हैं तो उससे बेहतर ये नहीं है कि आप असर से मगरब 2-3 घंटे आप अल्लाह को दे दो। तो मैं अब ये सोचती हूँ और आप लोग भी यही सोचें, बिकॉज ज़िंदगी का कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता ज़िंदगी का। चलें जी, शो की तरफ चलते हैं। आज की पहली रेसिपी जो हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही मज़े की पाए है। आजकल अनार मिल रहे हैं, आप लोगों को पता है मैं 3 महीने पहले से रेसिपीज़ दे देती हूँ तो मुझे आइडिया नहीं होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस दफ़ा अनार अभी तक मिल रहा है कराची में। तो अनार का जूस ले लिया है मैंने, 1 कप ताज़ा अनार का निकाल लें, या कोई मसला नहीं, आप टेट्रा पैक भी जूस ले सकते हो अनार का, ठीक है। आपने वो जूस लिया 1 कप, उसमें आपने 3 टेबल स्पून चीनी डाली और मैंने चूल्हे पर उसको इतनी देर पकाया कि चीनी आपकी डिज़ोल्व हो गई। आप उस जूस को मैं इटालिया का कॉर्नफ्लावर डाल के गाढ़ा करूँगी, मुझे उसको थोड़ा सा थिक करना है, ठीक है, वो मैं करूँगी। दूसरा स्टेप जो मैंने किया है वो मैंने जेलेटिन लिए 2 टेबल स्पून, आप मत लीजिएगा, आप कम लीजिएगा, या आप ले रहे हैं 2 टेबल स्पून तो लेवल लीजिएगा, ठीक है। मैंने तो टाइम पे पूरा करना है, शोज़ को सेट होके आपको दिखाना है, इसलिए 2 टेबल स्पून भर के लिए आप मत लीजिएगा, आपका पाए रबरी हो जाएगा। तो मैंने 2 टेबल स्पून जेलेटिन लिए और जेलेटिन को मैंने थोड़े से 1/4 कप पानी में या 1/4 कप अनार के जूस में ही आपने उसको
डिसॉल्व करके रखना है, ये मैंने कर लिया। फिर आपको लेनी है विपी विप मिल्की फूड्स की वाइट चॉकलेट, ठीक है, वो आपने ली एक पाव, और एक पाव चॉकलेट लेके उसको कद्दूकश कर लिया। कद्दूकश करने के बाद हमको उसको मेल्ट करना है विद क्रीम, ठीक है, ओके। अब देखें यहाँ मेरे पास चॉकलेट पड़ी हुई है, बहुत अच्छी चॉकलेट है, इनकी आपको दिखा देती हूँ। देखिए मैंने कल नईम से कहा था मेरे लिए भिजवा देना, तो ये बहुत अच्छी मिल्की फूस की चॉकलेट, एक पाव की भी मिल जाता है, बेहतरीन। ठीक, कद्दूकश कर लीजिए और इसको यहाँ पे ये देखें, अनार का जूस और चीनी है, पहले इसको मुकम्मल करते हैं ताकि इसको एक तरफ से हट जाए। और ये मैंने जेलेटिन डिसॉल्व करके रखी है, ठीक है, ये इटालिया का कॉर्नफ्लावर है मेरे पास, ये हम लेंगे 1 टेबल स्पून। ठीक है, 1 टेबल स्पून इटालिया का कॉर्नफ्लावर ले लिया हमने, और इस कॉर्नफ्लावर को हम ज़रा सा डिसॉल्व करते हैं। ये देखें इसको ज़रा सा हम डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, ज़रा पानी डाल के आपने डिसॉल्व किया। अब ये जैसे ही इसमें उबाल आएगा अनार का जूस, ये देखें अनार का जूस एंड शुगर, 1 कप पोमेग्रेनेट जूस मिक्स्ड विद 3 टेबलस्पून शुगर, उसको मैंने बॉईल करके रख लिया, तो ज़रा सा कि चीनी घुल गई। अच्छा, यहाँ पे एक्सक्यूज़ मी, मेरे पास 2.5 कप डाइजेस्टिव बिस्किट्स है, मैकवीटा का डाइजेस्टिव बिस्किट्स ले लो, लोकल ले लो, कुछ भी ले लो, और उसको आप क्रश करेंगे। क्रश करने के बाद इसमें मुझे 4 औंस मक्खन, ये ज़्यादा ही 8 औंस, मैं इसको मेल्ट करती हूँ। मुझे मक्खन मेल्टेड चाहिए। तैयार, ये मुझे सिखा दो, आ गया। अच्छा, मैंने इसको मेल्ट करने रख दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, ये देखेंगे, ये पक चुका है, बॉईल आ चुका है ना, ब्रेक भी आ गई है, तो मैं सिर्फ आप देखते जाइए, मैं इसमें ये डिसॉल्व कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। जबरदस्त, ये देख, देखा आपने, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम ठंडा करेंगे, यहाँ मेरी जेलेटिन है, ब्रेक से वापस आएंगे। मैं एक काम कर चुकी हूँगी, वो काम क्या कर चुकी हूँगी, ये मेरे पास 2.5 कप बिस्किट है, मेल्टेड बटर मैं उसमें से आधा लूँगी, वो 8 औंस था, मैं 4 औंस इसमें डाल के मिक्स करके, ये हमारी 9 इंच की पाई प्लेट है, इसमें हम इसको अच्छी तरह ऊपर तक साइड्स तक लगाएंगे, ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स। यहाँ पे मैंने 2 काम किए हैं, ठीक है, एक तो मैंने क्या किया, जो डाइजेस्टिव बिस्किट्स लिए थे चूरा करके, 2.5 कप था, और आप समझ लो 200 ग्राम का एक मैकवीटा का पैकेट आता है रेड वाला, और वो पूरा गया है, उसके अलावा भी मैंने 2-3 बिस्किट्स लिए थे, तो वो बिकॉज 9 इंच की पाई प्लेट है और मुझे पूरा ऊपर तक उसको करना है, ठीक है, बिस्किट जाना चाहिए कॉर्नर्स तक, तो मैंने वो क्रश करके उसमें पूरा 4 औंस, ये देखे बचा हुआ है मक्खन जो मेल्ट किया था वो डाला, 4 औंस, और बाकी इधर रखा हुआ है,
मक्खन डाल के अच्छी तरह उसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद आपकी पाई प्लेट पे लगाया। पाई प्लेट पे लगाने के बाद उसको आप फ्रीज़र में रख दो चिल होने के लिए, या बेक कर लो। मैंने कहा बेक नहीं कर रही, मैंने चिल कर दिया। एक वजह बता रही हूँ बेक नहीं करने की, बेक करेंगे तो अच्छा होता है, जल्दी निकलता है पाई, कटता बड़ी आसानी से। लेकिन मैंने आज इसलिए चिल किया उसको कि ये जो मेरी फिलिंग है ये ठंडी उस पर जाएगी तो बेहतर है, जल्दी जमाएगी। अगर वो ओवन से निकलेगा और उस पर ये मैं फिलिंग डालूंगी तो वो बिस्किट ठंडे होते तक टाइम लगेगा, उसको जमने में टाइम लगेगा। समझ आ रही है ना आपको मेरा पॉइंट? जब आप घर में करें आप ज़रूर बेक कर लीजिएगा 10 मिनट के लिए, निकालें उसको ठंडा होने दें और फिर फिलिंग उसके ऊपर डालिएगा, ठीक है? अच्छा ये देखेंगे, मैंने आपके सामने चॉकलेट बताई थी आपको, वाइट चॉकलेट कद्दूकश की भी मैंने पूरी इसमें डाल दी है, थोड़ी सी इसको बचा लिए ऊपर डेकोरेशन करने अनार के दानों के साथ। अच्छा यहाँ पे ये देखें, टोटल हमें चाहिए आधा कप क्रीम स्कैल्ड की, डेढ़ कप अलग लिखी हुई है वो अलग है, ठीक है? ये रखी हुई है वेप्ट और थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए रखी हुई है, वो अलग है डेढ़ कप। आधा कप अलग से हमने क्रीम ली और उसमें मैंने वाइट चॉकलेट डाल के उसको मैंने अच्छी तरह से डिसॉल्व कर दिया। चॉकलेट फौरन मेल्ट हो गई, इतनी ज़बरदस्त चॉकलेट है, फौरन मेल्ट हो गई। अब मैं इसमें डाल रही हूँ डिसॉल्व जेलेटिन, जो मैंने थोड़े से अनार के जूस में सोप की थी, डिसॉल्व की थी। ठीक है, अब इसमें जाएगा व्हिप्ड क्रीम, जेलेटिन क्रीम और चॉकलेट, थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम में चली गई, तकरीबन एक कप जितनी व्हिप्ड क्रीम में। इसको आप मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से, विस्क ले लें या हल्का सा बीटर चला दें। आप इसको छोटे पाइज भी बना सकते हैं, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। अगर आपको पाई की शक्ल में नहीं देना है, आपको इसको शॉट ग्लासेस की शक्ल में देना है, शॉट ग्लासेस में बिस्किट का बेस डालें और ऊपर से ये डाल के सेट करें और फिर डेकोरेट करें क्रीम के साथ और गार्निश विद पोमेग्रेनेट एंड वाइट चॉकलेट। ये हो गया, अब हम क्या करेंगे? ये जो मेरे पास पोमेग्रेनेट का है जूस, शुगर और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो, कैसे हैं आप? हेलो जी, हेलो श्रीयापा, आपको आवाज़ आ रही है? जी जान आ रही है, बोलिए।
अच्छा, मैं सुलेखा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी बोलिए, क्या कहें। आज मेरी सेकंड टाइम कॉल मिली है और मुझे इतनी खुशी हो रही है। पहली दफा जब कॉल मिली थी तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या बात करें। बोलें, आज बोलें, क्या बोलना चाह रही हैं। बस आप माशाल्लाह इतना अच्छा सिखाती हैं, मैं आपकी अक्सर चीजें ट्राई करती हूँ। मैंने ब्रेड बर्फी बनाई। कैसी बनी? मैंने पिंडिया बनाई, ब्रेड बर्फी तो बहुत अच्छी बनी माशाल्लाह। और पिंडिया वो भी अच्छी बनी अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रेड बर्फी तो मैंने बकायदा उसको काट लिया था। हाँ सही बात, काट के जम जाएगी तो बिल्कुल कटती है। जी जी जी। और इसके अलावा दाल गोश्त आपने बनाया, और ये अभी जो आप अनार का सिखा रही है ना, ये भी जरूर बनाऊंगी। मैंने आपका अनार सूफले भी बनाया था। कितना मजे का बनता है ना वो, जिसने भी खाया है ना। हाँ। आप सच ये पूछे, हर एक ने मुझसे रेसिपी पूछी है। मैंने कहा मैंने तो मसाला मॉर्निंग में सीखा था, और जो है ना अक्सर लोग तो कहते हैं कि आप कहाँ कौन से उसमें आप काम करती है, कौन से होटल में काम करती है। क्या इतनी खुशी होती है माशाल्लाह। वरना आप यकीन करें हम तो वही बनाते थे, आलू गोश्त कड़ी ये वो, या कोई चीज कोई रेसिपी देख ली तो बना लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मसाला चैनल की वजह से बहुत अवेयरनेस लोगों को मिल गई, बहुत माशाल्लाह। अच्छा आपका मखमली पराठा बनाया। अच्छा बना माशाल्लाह, ग्रेट, बहुत अच्छा बना, ग्रेट, बहुत आपके लिए दिल से दुआएं निकल। बस मुझे इसी की जरूरत है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। जीती रहिए, खुश रहिए। ठीक है, ये देखें हमारी एक रेसिपी से हम हो गए हैं फारिग। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी सेकंड रेसिपी पे, जो का हम बनाएंगे चिकन बाइट्स। लेकिन चिकन बाइट्स बनाने से पहले ब्रेक आ चुकी है, यहाँ से हम सब क्लियर करते हैं और आएंगे चिकन बाइट्स पे। अगेन दिस इज़ अमेजिंग रेसिपी, यू कैन सर्व दिस एज अ स्टार्टर। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स। आपको मीठा समझ आ गया या मैं रिकैप करूं? देखें, बिस्किट ले लिए 2.5 कप। ठीक है, चूरा किया। चूरा करने के बाद उसमें 100 ग्राम या 4 औंस मक्खन को मेल्ट करके वो उसमें मिला दिया अच्छी तरह। जब वो मिक्स हो गए, 9 इंच की पाइप प्लेट ले लीजिए, पायरेक्स ही ले लीजिए, लूज़ बॉटम ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, जो आपके घर में मौजूद है आप ले लीजिए, और उसको अच्छी तरह से उसमें स्प्रेड कीजिए। फिर आइए आप फिलिंग की तरफ। आपको पहले बनाना है, 1 कप लेना है अनार का जूस, उसमें 3 टेबलस्पून चीनी जाएगी। जब वो बॉईल होने लगेगा उसको आपने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल के गाढ़ा करना है, जेली टाइप हो जाए एग। ठीक है, वो हो गया। जेलेटिन डिसॉल्व कर लिया आपने 2 टेबलस्पून लेवल्ड, और उसको 1/4 कप अनार के जूस में डिसॉल्व कर लिया, वो अलग रख दी। क्रीम फेंट के अलग रख ली। फिर 1/2 कप आपको क्रीम लेनी है, और उसमें आपको डालना है वाइट चॉकलेट, 1 कप कद्दूकश की भी, और उसको आपको मेल्ट करना है। जब वाइट चॉकलेट मेल्ट हो गई, वो मिक्सचर मेल्ट हो गया, तो उसी में आपने जेलेटिन डिसॉल्व की भी मिला दी। ठीक है, फिर एक प्याले में आपने अलग से क्रीम ली 1 कप, और उसको हल्का सा बीट कर लिया। जब वो स्टिफ हो गई, तो ये जो हमने चॉकलेट का मिक्सचर पकाया हुआ था क्रीम के साथ और जेलेटिन वाला मिक्सचर, वो सब आपने उसमें डाल दिया। ठीक है, वो उसमें डाल दिया आपने, और बिस्किट बेस के ऊपर डाल दिया। अब जो हमारे पास बच गया वो गाढ़ा वाला मिक्सचर, अनार के जूस का थिक किया हुआ, वो जब आप थोड़ी देर उसको फ्रिज में छोड़ देंगे ना, तो वो हल्का हल्का सेमी सेट होने लगेगा। फिर आप ऊपर से ये अनार वाला मिक्सचर डालेंगे ना, तो बड़ी अच्छी मार्बल इफ़ेक्ट आ जाती है। आपको मार्बल इफ़ेक्ट देना है, मेरा अंदर चला गया, लेकिन ज़ाहरी बात है टाइम की वजह से, आई शुड हैव वेटेड, बट एनीवेज ठीक है, बता दिया आपको। वो आपने किया, और करने के बाद आपने उसको सेट कर दिया। अब हम उसको थोड़ी सी क्रीम, ज़रा सी क्रीम और अनार के दाने और वाइट चॉकलेट के साथ डेकोरेट करेंगे। ठीक है, चिकन बाइट्स, 1/2 किलो बोनलेस चिकन क्यूब्स। ये देखें चिकन क्यूब्स आपने काट लिए। सॉल्ट एंड पेपर मेरे पास इटालिया का दोनों शामिल है, इसमें सॉल्ट भी है और पेपर भी है, मैं ये डाल देती हूँ। 1 टीस्पून हीप डाल रही हूँ। ठीक है, नमक भी आ गया, काली मिर्चें भी मिल गई इसको। बस 2 चीज़ों से आपको इसको, चिकन 1/2 किलो को मैरिनेट कर लिया। अब तेल चढ़ा दिया है फॉर फ्राइंग। अब इसका हम बनाएंगे बैटर। बैटर बनाने के लिए हमको 1/2 कप मैदा यहाँ रखा हुआ है,
मैदा चाहिए। इसमें जाएगा इटालिया का 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 阿斯拉姆阿莱कुम। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। फरमाइए, टीवी बंद कर दीजिए प्लीज। कर दिया, कर दिया जी। बोलिए। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है, एहसान मालिक का। चॉकलेट केक बनाना सिखा दे, अगले मंगल को है, देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा जी, मैदा चला गया आधा कप, कॉर्नफ्लावर चला गया 2 टेबलस्पून ही, इटालिया का ही बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, लेवल्ड, ठीक है, 1 एग, वन एग, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, चिल्ड वाटर टू मेक बैटर, ठंडे पानी से आपको बैटर बनाना है इसका, बर्फ वाला पानी हो बेहतर है, जितना ठंडा पानी होगा इतनी आपकी चिकन क्रिस्पी बनेगी। अब हम बनाएंगे इसकी बफलो सॉस, लेकिन बफलो सॉस बनाने से पहले मैं चिकन बाइट्स को, इस चिकन को जो मैरिनेट की है नमक और काली मिर्चों के साथ, इस बैटर में डालूंगी और फ्राई करूंगी। ये देख लीजिए, ठीक है, अच्छी तरह से बैटर में मिक्स कर दिया। अब तेल सही गरम नहीं है, तेल गरम होता है, और मैं इसमें ओके। अब बफलो सॉस के लिए बेटा सॉस पैन चाहिए, अब्दुल्ला ओके। बफलो सॉस के लिए करना क्या है, आपको चाहिए चिली ऑयल, चिली ऑयल सूरी जिंदाबाद, कोई मसला ही नहीं है, आपको बेहतरीन सा चिली ऑयल मिल जाता है सूरी कंपनी का। जब तक तेल गरम हो रहा है ना, हम इसको बना लेते हैं। चिली ऑयल में हम डालेंगे बहुत सारा कुटा हुआ लहसुन 1 टेबलस्पून, बिल्कुल ऊपर तक भर के। फिर हम उसमें डालेंगे सूरी की स्वीट चिली सॉस 2 टेबलस्पून, शहद जाएगा इटालिया का 2 टेबलस्पून, और सूरी की सिराचा सॉस 4 टेबलस्पून। ये रहा हमारा चिली ऑयल, ओ 2 टेबलस्पून, ठीक है। उसके बाद हम जैसे ये गरम होगा हम इसमें डालेंगे क्रश्ड गार्लिक,
एक टेबल स्पून भर के, ठीक है। गार्लिक को जरा सा मैं सॉटे करूंगी, मीठी खुशबू आ रही है अभी से चिली ऑयल एंड ऊपर से गार्लिक, क्रश्ड गार्लिक। सॉटे होगा ये, सॉटे करने के बाद जैसे ही इसमें एक हल्का सा कलर आने लगेगा, मैं इसमें सारी सॉसेस डाल दूंगी, स्वीट चिली सॉस, सिराचा सॉस, ये गई हमारी स्वीट चिली सॉस 2 टेबलस्पून, ठीक है, और ये हमारी सिराचा सॉस 4 टेबलस्पून, उसके बाद हनी जाएगा 2 टेबलस्पून इटालिया का। सिराचा सॉस 4 टेबलस्पून, स्वीट चिली सॉस 2 टेबलस्पून, चूल्हा बंद कर दीजिए प्लीज। हनी 2 टेबलस्पून इटालिया का बेहतरीन। ठीक है, बस ये हमारी बफलो सॉस तैयार हो गई है। कितनी इजी आसान रेसिपी है, बस सॉस का मसला है आप लोगों को, एक दफ़ा ख़रीद लें और बहुत चलती हैं और फ्रिज में रखने की ज़रूरत भी नहीं होती। मेरे तो कैबिनेट में पड़ी हुई है, किचन की कैबिनेट्स में, ख़राब नहीं होती है ये। एक एक पीस उठाइए, ठीक है, और ब्रेक भी आ चुकी है, मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, जब ये खूबसूरत से गोल्डन हो जाएंगे मैं इसको निकाल दूँगी। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें, चिकन को मैरिनेट जो करके रखी थी नमक और काली मिर्च के साथ, चिकन को उसको आपको मैरिनेशन में से उठाना है, सूखे मैदे में कोट करना है और डीप फ्राई करना है। ये देखें, अच्छी तरह से डीप फ्राई करेंगे ताकि वो गल भी जाए और लाइट गोल्डन हो जाए। बफलो सॉस इसमें आ गई पूरी, बेहतरीन बर्तन है ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ, शेफ कुकवेयर के। लुक एट द लवली कलर, आई लव दिस कलर। ये हमारी बफलो सॉस रेडी है, बस ये निकलेगा, मैं ये सब कुछ उसमें डालूंगी, तेज़ आंच पे उसको कोट करेंगे। टूथपिक्स लगाइए, नहीं लगाइए टूथपिक्स, लगा लें तो जब आपकी एपेटाइज़र के तौर पे एक एक बंदा एक एक उठाया मुंह में डाल दे। ठीक है,
ये देखें, ये आधा किलो चिकन में आप बहुत मज़े के बनते हैं, 4 से 5 लोग खा लेंगे, बिकॉज 3-4 में दिल नहीं भरता है, बता दूँ आपको। और मैं एक चीज़ करना भूल गई हूँ, लाना भूल गई हूँ शायद, हाँ, इसके ऊपर जब आप इसमें टॉस करेंगे ना, थोड़े से तिल छिड़क दीजिएगा। प्लेटर, तेज आंच पे, ताकि ये क्रिस्पी भी रहे और अच्छी तरह से बफलो सॉस में कोट भी कर लें। अगर आप खाएंगे, अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा तेज़ है, होगा नहीं, हनी है ना, तो आप ज़रा सा हनी बढ़ा लो, वैसा होगा नहीं है, परफेक्ट होता है। इतना उसको आप कोट करें कि वो आपकी, ओ वाव, देखेंगे बातें हमारे यहाँ बच्चों की, उन्होंने सुना और हमें दे दिया। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम फिरोजा, कैसी हो, कहाँ गायब हो बच्चा? वालेकुम सलाम आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपके दिल में ही तो रहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का आपको हमेशा खुश रखे बेटा। आपके साथ ही हूँ आंटी, बस ये कि कॉल काफी अरसे के बाद की है, अभी मैं देख रही थी आपका प्रोग्राम, माशाल्लाह इतनी अच्छी रेसिपीज ये बनाई है, तो ये तो मैं जरूर ट्राई करूंगी। और आसान है बेटा? बिल्कुल बिल्कुल आंटी, बिल्कुल इजी है, आपकी बहुत सारी रेसिपीज बहुत इजी होती हैं, और माशाल्लाह उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट इतना अच्छा आता है आंटी, मैं तो आप ही की रेसिपीज को ट्राई करती हूँ। और मैंने आपकी है ना वो चिल्ली चिकन गेस्ट आए थे, तो मैंने ट्राई की थी, उनको बहुत पसंद आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने काफी अर्से पहले जाली चिकन सिखाई थी ना आंटी? ओके ओके, वो मैंने ट्राई की थी, तो उनको बहुत पसंद आई। चलें, और आंटी मुझे सर यूसुफ का भी बहुत अफसोस हुआ था उनकी डेथ के ऊपर, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और अल्लाह ताला उनके घर वालों को सबर दे, बहुत अच्छे इंसान थे आंटी, बहुत अच्छे थे। बस बेटा, अल्लाह को भी तो अच्छे लोगों की जरूरत होती है। जी बिल्कुल आंटी, और आपका जो टैलेंट वीक था बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी रेसिपी सबने बनाई। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बहुत कामयाबी के साथ आपने वो प्रोग्राम किया, आपकी पूरी टीम इस बात की मुस्तहिक है इस प्रोग्राम को इतना अच्छा बनाने में, और आपके वाकई सब लोग बहुत अच्छे थे जिन्होंने कुकिंग की, बहुत डिफरेंट रेसिपीज थी सबकी। जी जी बिल्कुल, बहुत डिफरेंट थी। आंटी एक पोएट्री सुना दूं आपको बहुत अच्छे के बाद? जी बेटा बोलिए। सुनो शीरीन, जो पूछा है तुमने कितनी मोहब्बत है तुमसे, तो जवाब भी सुन लो, ऐसा करो तुम कभी सावन के मौसम में बारिश की बूंदों को गिन लेना, जितनी बूंदें होंगी मैं उतनी ही मोहब्बत करती हूँ, कभी शर्मा में तुम इन पहाड़ों पर गिरते बर्फ के गालों को गिन लेना, अगर गिन लिए जाएं जब तो मान लेना, जितने वो होंगे मैं भी इतनी ही मोहब्बत करती हूँ, कभी खिजां के मौसम में दरख्तों से गिरते सब पत्तों को गिन लेना, इतनी ही मोहब्बत करती हूँ, कभी बादलों को गिन पाई हो, मेरी मोहब्बत भी किसी बादल की तरह है, तुम पर छाई हुई है, चाहो तो गिन लेना, कभी समंदर के किनारे पर बैठकर तुम साहिल पर मौजूद रेत के जर्रे गिन लेना, जहां गिनती खत्म होगी इससे मोहब्बत मेरी शुरू होगी, मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ कि दुनिया के सारे पैमाने उसकी पैमाइश ना कर पाए, मुझे बस इतना मालूम है हर मोहब्बत की हद होती है, मगर तुमसे मोहब्बत बेहद है। बहुत शुक्रिया मेरी जान, बहुत शुक्रिया, जीते रहो आप लोग, मैं वाकई बहुत खुशकिस्मत हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जीते रहो बेटा, जीते रहो।
ठीक है जी, हमारी ये भी तैयार है। हमारा वो इतना अच्छा, माशाल्लाह मैंने अभी चेक किया था ब्रेक में, इतना अच्छा सेट हुआ है मेरा पाए कि मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, ये लंदन फिश एंड चिप्स ऑथेंटिक रेसिपी है जो आप लंदन में जाके खाते हो, बीचेस पे और हर जगह। फ्राइज आप फ्राई कर लीजिए। छोटी है कढ़ाई और मैदा था ना उसमें, उसका इसको हम फ्राई करके निकालेंगे। और आज हम फ्राई करेंगे मानसलवा के चिकन फ्राइज, वो भी आप फिश एंड चिप्स के साथ सर्व कर सकते हो, चिकन फ्राइज बेहतरीन। अच्छा, जब तक फ्राइज हमारे फ्राई हो रहे हैं, हम आ जाते हैं अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ। ब्रेक आ गई, अच्छा चले, ब्रेक आ गई है तो हम ब्रेक लेके वापस आते हैं। यहाँ हमारे पास सोल के फिले पड़े हुए हैं, बेहतरीन मछली है मेरे पास, सोल फिले बने हुए, उसको हम मैरिनेट करेंगे सॉल्ट, वाइट पेपर, मस्टर्ड, लेमन जूस, सोया सॉस और एक घंटा आपको छोड़ना है, ठीक है। और फिर इसका बैटर बनेगा, बैटर में ये डिप होगा और ये फ्राई होगा। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी मेरी जान जी, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और हमने अपने वो फ्राइज भी फ्राई कर लिए जो कि मानसलवा के ही मैंने लाई थी घर से, और ये भी चिकन फ्राइज मैं फ्राई कर रही हूँ मानसलवा के, बेहतरीन प्रोडक्ट है मानसलवा की, आप कुछ भी ले लो। अब रमज़ान आ रहा है, पराठे भर लें इनके नहीं मिलेंगे, स्टॉक ख़त्म हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको कितनी सहूलत देती हैं, आप ये सिर्फ देखें, अचानक घर में कोई आ जाए, बच्चा थक हार के खेल के आता है, उल्टा सीधा पॉपकॉर्न बना लिया, कुछ खा लिया, उल्टी सीधी चीज़ें, तो उससे बेहतर नहीं है कि आप इनको ये हेल्दी स्नैक्स की तरफ ले जाएं। अच्छा जी, फिश सोल आई हैव टेकन 1 kg, आधा किलो में मुश्किल से 4 फिले निकलते हैं। ओके, मछली का मैरिनेशन है नमक, वाइट पेपर, ये रहा वाइट पेपर 1/2 teaspoon, ज़्यादा नहीं डालना प्लीज, बेकिंग पाउडर नहीं, सॉल्ट 1/2 teaspoon, वाइट पेपर 1/2 teaspoon, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ले रही हूँ नमक बिकॉज मछली ज़्यादा है, मस्टर्ड पाउडर 1/2 teaspoon, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लेमन जूस 2 tablespoon, सोया सॉस 1 tablespoon, लाइट वाली, बस मिक्स करेंगे। फिश को आप इसमें मैरिनेट करेंगे। अच्छी तरह से, अच्छा दोनों तरफ से लगाइएगा। अब इसका भी बनेगा जो लंदन फिश एंड चिप्स है ना, ये बड़ी क्रिस्पी और करारी होती है, मैंने तो ये इतनी खाई है, मैं तो वहाँ जाके बस आई कैन लिव ऑन दिस, आई लव इट। ठीक है, ये आपने मैरिनेट किया, मैरिनेट करने के बाद इसका भी हम बनाएंगे बैटर।
ओके, बैटर के लिए हमें चाहिए फ्लावर 3/4 कप, उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक 1/2 टीस्पून, ऑयल 2 टेबलस्पून, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, सारी फ्राइंग भी इसी डब्बे के तेल में हो रही है, इटालिया का बेहतरीन 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल पामेस, ठीक है ये चला गया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, इटालिया का, बड़े ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं इटालिया के पास। ठीक है प्लीज़ ये बड़ी बड़ी आप नोट लिख लीजिए अपनी डायरी में, बहुत बड़ा बड़ा लिख लीजिए कि ये आपको बर्फ़ वाला जो पानी होता है ना आइस क्यूब्स वाला, उस पानी से आपको बनाना है। जितना यख ठंडा पानी होगा ना वही रिजल्ट आएगा जो आप वहाँ खाते हैं। अच्छा इसके साथ वहाँ पे तो नहीं होती है लेकिन टाटर सॉस बहुत अच्छी लगती है। टाटर सॉस मैंने बना के लाई हूँ घर से, रेसिपी लिखी हुई है इसमें। मेयोनीज़ ली थी 1/2 कप, उसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस डाला, अंडे एक बॉईल कर लीजिए, योक नहीं यूज़ होगी, आधी अंडे की सफ़ेदी बिल्कुल बारीक बारीक चॉप्ड, ठीक है वो डाल दी, प्याज 1 टेबलस्पून बॉटल वाली मिलती है सिरके में, छोटी बेबी अनियन आती है उसे कहते हैं पिकल्ड अनियन, वो डालनी है चॉप 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून जर्किंस फाइनली चॉप और पार्सले 1 टीस्पून, ठीक है जी। चलें ये देखें हमारे चिकन फ्राइज मॉन्सलवा के रेडी हैं, इसको हम निकाल रहे हैं, आप चलिए ब्रेक की तरफ और मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मछली को इस बैटर में डिप करेंगे, फ्राई करना शुरू करूंगी, वापस आके आपके सामने के लिए 2 पीस बचाऊंगी, आपके सामने भी करेंगे, स्टे विद अस। जी जनाब वेलकम बैक, देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और हमने फिश को बैटर में डिप किया है ये और फ्राई कर रहे हैं। क्रिस्पी
जो आपको जिस तरह से आपको करना है आप करें। चलें हम मछली निकालें इससे पहले कि काम तमाम हो जाए। चॉकलेट, वाइट चॉकलेट, ठीक है, डालें। ओके जी, प्लीज़ जब मछली डालें तो फौरन से नहीं हिलाइएगा, उसका बैटर पूरा बाहर आ जाएगा। इससे पहले कि ब्रेक आए मैं एक दो डाल के आपको दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। कितनी आसान चीज़ें हैं आप देखो, कितनी आसान है। मीठा आपको लग रहा होगा पता नहीं कितने क्या कर दिया, कुछ भी नहीं और इतने मज़े का बनता है। छन्नी में निकालें बेहतर है, ये देखें फिश उठाया, बैटर में डिप किया, डीप फ्राई, डीप फ्राई लेकिन फ्राई पैन में। वक्त आ गया है रीकैप ब्रेक का, आप चल के देखिए रीकैप। रीकैप के बाद इंशाल्लाह ताला मैं और तमाम डिशेस आपको टेबल पे मिलेंगी। मिलते हैं आपसे रीकैप के बाद। चिकन बाइट्स, अच्छा बोनलेस चिकन आधा किलो क्यूब्स, नमक एक चाय का चमचा, काले मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल फ्राई के लिए, बैटर के लिए, मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लावर दो खाने के चमचे, अंडा एक अदद, बेकिंग पाउडर एक चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, ठंडा पानी हसबे जरूरत, बैटर बनाने के लिए, बफलो सॉस के लिए, चिली ऑयल दो खाने के चमचे, कटा लहसुन एक खाने का चमचा, स्वीट चिली सॉस दो खाने के चमचे, शहद दो खाने के चमचे, सिराशा सॉस चार खाने के चमचे। तरकीब, चिकन बोनलेस को नमक और काली मिर्च के साथ 30 मिनट मैरिनेट कर लें। बैटर के लिए बोल में कॉर्नफ्लावर, अंडा, बेकिंग पाउडर, पिसी लाल मिर्च और नमक मिलाकर ठंडे पानी से बैटर बनाएं। उसके बाद प्लेट में मैदा डालें, पहले चिकन को बैटर में शामिल करके मैदे में कोट करें, फिर तेल गर्म करके इसे डीप फ्राई कर लें, आखिर में बफलो सॉस में टोस्ट करके सर्व करें। बफलो सॉस के लिए चिली ऑयल गर्म करके कटा लहसुन फ्राई कर लें, फिर इसमें स्वीट चिली सॉस, शहद और सिराशा सॉस डालकर मिक्स करें और एक तरफ रख दें। लंदन फिश एंड चिप्स, अज्जा सोल फिश आधा किलो, नमक आधा चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट आधा चाय का चमचा, नींबू का रस दो खाने के चमचे, सोया सॉस एक खाने का चमचा, तेल फ्राई के लिए, बैटर बनाने के लिए, मैदा 3/4 कप, बेकिंग पाउडर एक चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, तेल दो खाने के चमचे, ठंडा पानी हसबे ज़रूरत, टाटा सॉस के अज्जा, मेयोनीज आधा कप, नींबू का रस एक खाने का चमचा, उबली और चॉप्ड अंडे की सफ़ेदी एक खाने का चमचा, अचारी प्याज एक खाने का चमचा, जर्कन्स पिकल्ड एक खाने का चमचा, चॉप्ड पार्सले एक चाय का चमचा। तरकीब, सोल फिश को नमक, सफ़ेद मिर्च, मस्टर्ड पेस्ट, सोया सॉस और नींबू के रस से घंटा मैरिनेट कर लें। बैटर बनाने के लिए बोल में तमाम अज्जा मिलाकर ठंडा पानी शामिल करें और बैटर तैयार कर लें। उसके बाद मैरिनेट की हुई मछली बैटर में डिप कर लें। अब तेल गर्म करके फिश डीप फ्राई करें, आखिर में फ्राइज और टाटर सॉस के साथ सर्व करें। टाटर सॉस के लिए एक बोल में तमाम अज्जा डाल के मिक्स कर लें। पोमीग्रेनेट एंड वाइट चॉकलेट पाई, बेस के अज्जा, डाइजेस्टिव बिस्किट्स क्रश 2.5 कप, पिघला मक्खन 4 आउंस, पोमीग्रेनेट सॉस के लिए, अनार का जूस 1 कप, चीनी 3 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 1 खाने के चमचा, पानी 1/4 कप, लाल रंग चंद कतरे, जेलेटिन 2 खाने के चमचे, अनार का जूस 1/4 कप, वाइट चॉकलेट कद्दूकश 200 ग्राम, घी आधा कप, क्रीम 1.5 कप, पिसी चीनी 3 खाने के चमचे, अनार डेकोरेशन के लिए। तरकीब, बेस के लिए डाइजेस्टिव बिस्किट्स को क्रश करके पिघला मक्खन डालें और मिक्स कर लें।
फिर इसे 9 इंच पाई डिश में फैलाकर गर्म ओवन में 10 मिनट बेक करें। पोमीग्रेनेट सॉस के लिए सॉस पैन में अनार का जूस डालकर पका लें, फिर इसमें पिसी चीनी शामिल करके मिक्स करें। उसके बाद कॉर्नफ्लावर में पानी मिलाकर हल करें और सॉस पैन में डाल दें। अब इसे चूल्हे से हटाकर लाल रंग शामिल करें, फिर जेलेटिन में 1/4 कप अनार का जूस डाल के हल कर लें और एक तरफ रख दें। उसके बाद कद्दूकश व्हाइट चॉकलेट और घी के साथ पिघला लें। अब इसमें जेलेटिन शामिल करके मिक्स करें, फिर क्रीम फेंटकर पिघली चॉकलेट में डालें और अच्छी तरह फेंट लें। उसके बाद इस मिक्सचर को बिस्किट्स के बेस में शामिल करके ऊपर से पोमीग्रेनेट सॉस ड्रिजल डालें और स्विरल बनाकर मार्बल की शक्ल दें। आखिर में इसे ठंडा करके क्रीम और अनार से सजाएं और सर्व करें। जी जनाब, वेलकम बैक, वेल डन मलेसा, वेल डन जी। आज का शो हुआ चाहता है कंप्लीट। हमने बनाया वाइट चॉकलेट एंड पोमेग्रेनेट पाई। आप इसको बिल्कुल शॉट ग्लासेस में भी बना सकते हो। बिस्किट बेस नीचे करें, फिर बाद में सब कुछ मिक्स करके उसमें आप ऊपर से पोर करें और वाइट चॉकलेट और क्रीम का एक स्विरल और पोमेग्रेनेट के साथ डेकोरेट करें, सर्व करें। और चिकन चिली बाइट्स ये एपेटाइजर के तौर पे, और फिश एंड लंदन फिश एंड चिप्स इज़ अ मेन कोर्स ऑफ कोर्स, सर्व इट विद लोड्स ऑफ फ्राइज एंड टाटो सॉस। ठीक है, ये तो थी हमारी आज की, और जो एक आपको स्पेशल और ज़बरदस्त सी डिश फ्राई करके दिखाई वो है मॉन्सेल्वा के फ्राइज़। अगर आपको पोटैटो फ्राइज़ नहीं करना है तो आप इसको मॉन्सेल्वा के फ्राइज़ के साथ, चिकन फ्राइज़ के साथ सर्व करिए। बेहतरीन स्नैक है मॉन्सेल्वा का, कुछ भी ले लो, चपली कबाब ले लो, शामी ले लो, बर्गर पैटी ले लो, नगेट्स ले लो, वाओ नगेट्स ले लो, ये चिकन फ्राइज, कोफ्ता, यू नेम इट, जंबो प्रॉन्स, बटरफ्लाई प्रॉन्स, हर चीज़ लाजवाब। ठीक है, चलें जी, आज दावत में बन रहा है मसालेदार तवा कलेजी और स्ट्रॉबेरी क्रीम ट्राइफल। ठीक है, ये तो बन रहा है दावत में। कल का हमारा मेन्यू बहुत अच्छा है, प्लीज़ मिस नहीं करिएगा, बहुत मेहनत है। मैं बहुत अब फिर नहीं सिखाऊंगी, और ये आपको इतनी रेसिपी काम आएगी। भोंडे की माश की दाल अभी मैं भिगो के आई हूँ सुबह, 1/2 कप मोटे चावल, अगर आपको मेरे साथ बनाना है 1/2 कप मोटे चावल और 1.5 कप या 1 पाव कंडेंस मिल्क का खाली डब्बा माश की दाल, दोनों को आप साथ भिगो के रख दो। ठीक है, 6 से 8 घंटे उसको रहने दो। अब मैं जाऊंगी, जब घर शाम में पहुंचूंगी, मुझे कुछ काम है, 6 बजे तक जाके मैं उसको पीसूंगी बिल्कुल बारीक चॉपर में। बेशक आप 3-4 टेबलस्पून पानी डाल के पीस लो। पीसने के बाद उसको फिर आप कवर करके पूरी रात अवन के अंदर छोड़ दो। अवन मीन्स जलता हुआ नहीं, अवन में या माइक्रोवेव में छोड़ दो, जलना नहीं है। वो पूरी रात में वो जो माश की दाल होगी वो खमीर बनेगी, और फिर आप देखिएगा कल मैं उसके साथ भोंडे बनाऊंगी, इतने मज़े के। और इसके साथ हम बना रहे हैं सांभर, सांभर इतना मज़े का, सांभर मसाला भी सिखाऊंगी आपको, बिकॉज़ यहाँ मिलता नहीं है। सांभर मसाला है, सांभर है, और मेरी एक बहुत ही स्पेशल आलू की बिरयानी, बड़े बड़े पीसेस आलू डाल के आलू की बिरयानी बनाई है। ठीक है जी, चलें जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपना अपने घर वालों का। ठीक है, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बख़ैर, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो कल आपसे 11 बजे मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।
बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ्स की रेसिपीज हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है YouTube चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।